भाई इधर गणेश जी की तस्वीर, इधर अंबेडकर जी की तस्वीर, इधर शिवाजी की तस्वीर, इधर किसान की तस्वीर, इधर लालू जी की तस्वीर, में समझ नहीं। ये क्या कर रहे हो शेखर? अरे यार घनघोर समस्या में, ये सोच रहा हूँ कि इतने से नोट में, मैं बस हिसाब लगा के देख रहा हूँ कि इतने से नोट में किस किस की फोटो आ सकती है भाई। कोई कह रहा है कि नोट पे भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगानी चाहिए, कोई कह रहा है कि अंबेडकर की लगनी चाहिए, कोई कह रहा है कि लालू जी की लगनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि शिवाजी महाराज की लगनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब नोट के बहाने वोट पे अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। तो छाप मेरी फोटो और दे दे मुझको वोटो। प्रधानमंत्री मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक लगाने के लिए जाना जाता है, जाना जाता है ना। लेकिन दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो हेड मास्टर स्ट्रोक ही मार दिया। देखिए केजरीवाल जी का करारे करारे नोटों जैसा करारा हेड मास्टर स्ट्रोक, वो भी ओवर द हेड। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो हुजूरे आला, नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापने की मांग के साथ साथ केजरीवाल साहब ने इंडोनेशिया का उदाहरण भी छाप दिया कि इंडोनेशिया के नोटों पर भी गणेश जी की फोटो छपी है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। केजरीवाल साहब, हमने माना कि इंडोनेशिया के नोटों पर गणेश जी की फोटो है, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया की करेंसी की वैल्यू कितनी है? एक अमेरिकी डॉलर के बदले में इंडोनेशिया के लगभग 15,000 रुपए आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक डॉलर में 15,000 रुपया। और हमारे रुपए के बदले में? हमारे एक रुपए के बदले में आते हैं लगभग 200 इंडोनेशियन रुपया। हाँ, 200। इतनी मजबूत है इंडोनेशिया की करेंसी, यानी गणेश जी की फोटो छपने से उनकी करेंसी मजबूत नहीं हुई। जबकि अमेरिका के डॉलर पर जीसस क्राइस्ट या मदर मेरी की कोई फोटो नहीं, लेकिन फिर भी वो कितना मजबूत है सारी दुनिया जानती है, और हमारे देश के 130 करोड़ लोग भी। 130 करोड़, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जैसे आजकल हमारे नेता बोल देते हैं ना, 130 करोड़ भारतवासी, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरलेना जी बोल रही हैं, तो मैंने भी बोल दिया ऐसे ही 130 करोड़। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। आतिशी जी की बात सुनकर मुझे तो शक हो रहा है कि मैं भारतीय हूं भी कि नहीं। तुम्हें ऐसा शक क्यों हो रहा है शेखर? अरे बंदरू, इसलिए कि मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए, ना ही केजरीवाल जी का फोन आया कि एक सेकंड फोन आया। हेलो, हां जी, मैं अरविंद केजरीवाल पूछ रहा हूं। दरअसल कुछ नहीं आया, अपनी तरफ से ही बोल दिया, यानी गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। कौन गुरु और कौन चेला, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया के सारे प्रवक्ताओं के गुरु, प्रवक्ता शिरोमणि और बीजेपी के सदाबहार मजेदार प्रवक्ता संबित पात्रा जी को सुनिए। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। इसके बाद तो जी नोट के चक्कर में एक एक करके सारी पार्टियों के नेता कूद पड़े। किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो की डिमांड कर दी, तो किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की डिमांड कर दी। यानी केजरीवाल जी नोट के एक साइड पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो छपवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी साइड में कोई बोल ही नहीं रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पब्लिक के साइड में ही बोल रहे हैं। कौन किस मामले में बोल रहा है, बोलते रहने दीजिए।
लेकिन राजनीति जो होनी चाहिए असल मुद्दे पर होना चाहिए। कौन किसका फोटो लगेगा नहीं लगेगा उससे क्या सुधार होने वाला है? तेजस्वी बाबू को सुन लिए तो आप तेजस्वी बाबू के पार्टी के दूसरे नेता को भी सुनिए। आरजेडी के बिहार प्रदेश के महासचिव भाई अरुण कुमार जी डिमांड आ रहे हैं कि नोट पर लालू जी का फोटो लगना चाहिए। लगाओ जल्दी से। भारतीय करेंसी में लालू जी का और जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक साइड फोटो, एक साइड गांधी जी का रहे, एक साइड जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू जी का फोटो रहे, ताकि जो भारतीय रुपया में गिरावट आ रहा है वो गिरावट रुक जाए। भाई अरुण कुमार जी का फनी डिमांड देख लिए, लेकिन आपको एक तो और फनी चीज दिखाते हैं जिसमें बहुत सारी हंसी है। नीतीश बाबू का फनी रिप्लाई। हाँ भैया जरा चलाइए, फनी रिप्लाई चलाइए। नोट में इंडियन करेंसी में गणेश जी लक्ष्मी जी का चित्र रहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने डिमांड किया है। कुछ लोग तो क्या क्या करते रहता है, कुछ लोग तो का क्या करता रहता है। हमको हैरानी हो रहा है कि जिससे नीतीश बाबू अभी जुम्मा जुम्मा चार दिन पहले दिल्ली में मिलकर गए हैं उसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी हमको इस बात पे हो रहा है कि फोटो छपने का बात हो रहा है और कोई मोदी जी का नंबर नहीं ले रहा है, जबकि मोदी जी का फोटो तो हर जगह रहता है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर राशन के थैले पर हर जगह, जहां किसी और का फोटो होना चाहिए वहां भी। तो फिर नोट पे मोदी जी का फोटो लगाने का डिमांड काहे नहीं हो रहा है? एक सेकंड, किसका मैसेज आ गया? अरे सॉरी सॉरी, मोदी जी के फोटो का डिमांड हो गया है ना। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम जी दो कदम आगे बढ़ के नोट पे मोदी जी का फोटो लगा दिए हैं। ये देखिए, तो देखा आपने कि नेता लोग नोट पर किस किस को देखना चाहते हैं, लेकिन इस देश का गरीब क्या देखना चाहता है? गरीब से पूछा है किसी ने, हो सकता है कि वो तो नोट ही देखना चाहता हो कि पहले हमको नोट तो दिखाइए भैया कि नोट दरअसल होता कैसा है। हम देखें तो सही, फोटो आप देखते रहिए, हमको तो बस नोट दिखा दीजिए। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।